हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी कैट रिजल्ट 2022 के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यूपी में बहुत से कोर्स होते हैं यूपी कैट एग्जाम के थ्रू, जैसे कि वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी, फिशरीज। अलग अग कोर्स की कट ऑफ अलग अलग जाती है। हालांकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पर करते हैं PCM, ठीक है, PCB और PCA, नहीं हम कह सकते हैं PAG ग्रुप, ठीक है, यानी जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं। अब यहाँ पर तीनों जो कट ऑफ जो कम्बाइंड होती है, जो कट ऑफ होती है वो कम्बाइंड बनती है। समस्या ऐसी बात की यहाँ पर है, ठीक, जिसका पेपर हार्ड आता है उसकी रैंक जो है बहुत बेकार चली जाती है, और जिसका पेपर अच्छा आता है उसकी रैंक यहाँ पर जो है ठीक ठाक आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पर बात यह है कि कुछ बच्चे जो PCM वाले हैं उनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा है, मोस्टली ऐसा मैथ ग्रुप के साथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें कितनी रैंक अगर आपकी है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कोर्स, हॉर्टिकल्चर कोर्स और बायो वाले केवल प्रॉपर मोस्टली जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो इन्हीं दो कोर्स के लिए करते हैं यहाँ पर। मतलब सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा उनका वेटनरी होता है, जैसे बच्चे नीट वाले बहुत ज़्यादा भरते हैं, 1 से लेकर 500 रैंक के बीच में लगभग 80% स्टूडेंट जितना होता है वो सारा बच्चा PCB का नीट वाला केवल वेटनरी साइंस के लिए अप्लाई करता है, ठीक। इसके बाद अगर नहीं होता, लग रहा है कि हम मेडिकल नहीं निकाल पाएंगे, तो एग्रीकल्चर में चला जाता है, लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं रैंक के हिसाब से किस कोर्स में आपको जो है कितनी रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ विद्यार्थियों के मैथ ग्रुप में रैंक ज़्यादा आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक चीज़ तो वो है कि काउंसलिंग में जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अगर आपके उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो रैंक कितने भी हो, चाहे आपके 2500 हो, 3000 हो, 3500 हो, तो आपको तो आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक। यानी क्वालिफाइड लोग जो है एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर विद्यार्थी किसी भी ग्रुप का है और उसके में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक, नॉट क्वालिफाइड, इसका मतलब ये लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, पहली बात ये है। अब इसका देखो मतलब क्या है, मतलब मैं आपको वीडियो बना के पहले दिया भी था, मैंने बताया था आप 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप सिलेक्शन श्योर है। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने केवल 100 क्वेश्चन किया है, और 100 क्वेश्चन की रैंक जो है वो 700-800 रैंक आई है। ऐसे भी बच्चे जिन्होंने 100 किया उनकी रैंक बिल्कुल 700-800 एग्जैक्ट आई है। अब जिसकी रैंक 100 क्वेश्चन पर अगर 800 आ रही है, 700 आ रही है, 750 आ रही है, इसका मतलब उसका सिलेक्शन श्योर है, चूँकि सीट जितनी है भी हो यहाँ पर, ठीक। और उससे अगर डबल आपकी रैंक आती है तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है, अगर जितनी सीट देगी उससे डबल, चूँकि उसमें आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट वाले जेई वाले वो सीट छोड़ देते हैं, कुछ अभी बच्चे जो जितना यहाँ पर रैंक लाए हैं, कुछ इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी आपका नीट एग्ज़ाम देंगे, कुछ ICR एग्ज़ाम देंगे, कुछ CUET BHU एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत सीट यहाँ पर खाली हो जाती है। हर कोई चाहता है मैं बेहतर यूनिवर्सिटी में जाऊँ। और आपके लिए मैं एक सलाह, जिन बच्चों में यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ जो मैथ ग्रुप के विद्यार्थी हैं और उनको लगता है हमारे यहाँ पर रैंक खराब हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पर अब नहीं सक्सेस हुआ हूँ, तो अब आपको यहाँ पर चांस ICR में भी है, CUET में भी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यूपी कैटेड एग्जाम से ICR एग्जाम कहीं सिंपल एग्जाम है, क्योंकि वहाँ पर सीट ज़्यादा है। हालांकि स्टूडेंट जरूर जब बैठता ज़्यादा, लेकिन आप यकीन करिएगा कई ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ हुए जिनका यूपी कैट मैथ ग्रुप में रैंक खराब हुई और यूपी कैट नहीं हुआ और उनका सिलेक्शन ICR हुआ है, और आप देखेंगे भी अभी, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, जिन विद्यार्थियों के मैथ ग्रुप में नॉट मैथ ग्रुप में हो या PAG ग्रुप में हो, हर किसी में हो सकता है ज़्यादा रैंक अगर होगी तो, ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, ICR एग्ज़ाम है उसको दीजिए। अभी आपका कम से कम 2 मंथ का टाइम ICR का, ठीक, आज 1 जुलाई है तो कम से कम मान लो अभी तो फॉर्म नहीं आया, अभी जुलाई के 1st वीक में इसका फॉर्म आएगा, ठीक, अगस्त लास्ट तक या सितंबर 1st वीक तक आप एग्जाम जा सकता है, यानी पूरे अभी आपके पास 2 महीने ICR एग्जाम के लिए हैं, और 2 महीने में आपका सिलेबस अगर कवर किया है यूपी कैटेट में तो बेहतर आप रैंक ला सकते हो ICR में, ठीक, ये मेरा मानना है और मेरा एक आप यहाँ एक आपका मेरा जो है वो एक एक्सपीरियंस भी है आपके सभी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, अभी आप 2 मंथ टाइम में आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं ICR का, ठीक। अब ये नॉट क्वालिफाई मतलब क्या जानते हैं, आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं कि आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 33.33% भी नहीं आए हैं। अगर 33% आपके मार्क्स आते हैं वो विद्यार्थी क्वालिफाइड होता है, अगर इतने से कम नंबर आए हैं तो वो विद्यार्थी यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड होता है। अब आप खुद ही यहाँ पर शर्म लग जाएगी, शर्म आ रही होगी, हमने इतने क्वेश्चन ज़्यादा क्यों कर दिए। मान लो अगर आपने 100 ही माना, हमने कहा हमने आप 100 क्वेश्चन करके आइए, आपने 100 किए हैं तो उसमें गलत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। अगर आपके नंबर इतने से कम आ रहे हैं तो भी आपका नॉट क्वालिफाइड आता है, अंतर नॉट क्वालिफाइड नहीं आता है।
हालांकि पिछले बार क्या करते हैं लोग ऑफलाइन काउंसलिंग कई बार नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी बुला लेते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग कराने का 500 रुपये जमा होता है, ठीक है, वो भी नॉट रिफंडेबल होता है। तो हर कोई बच्चा, हर कोई यूनिवर्सिटी चाहती मैं काउंसलिंग ज़्यादा ज़्यादा बच्चे बुलाऊँ ताकि मेरा यहाँ पर पैसा स्टोर हो। तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमारी रैंक कितनी है, कितना हमें कौन सा कोर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अब, तो ध्यान रखिए तीनों के यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो कंबाइंड जाती है। वजह इसकी ये है यहाँ पर सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। अगर मान लो मैथ सीट रिजर्व कर दो, मैथ की टोटल 100 सीटें हैं, बायो 100 सीटें हैं, यहाँ पर 500 की सीटें हैं, तो जिसकी मैथ ग्रुप में 100 रैंक होगी मैथ ग्रुप में उनका सिलेक्शन श्योर है। अब पता चला मैथ ग्रुप में जिसकी 10 रैंक है उसकी ऑल ओवर 4000 रैंक है, ये उसमें समस्या यहाँ पर है, ठीक है। खैर ये तो बात हो गई जनरल क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लेकर के। तो जिन विद्यार्थियों को नॉट क्वालिफाइड लिखा है काउंसलिंग भाग आप नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब यूपी का एग्जाम आपका 2022 की कहानी खत्म। अब आप केवल ICAR और CUET पर फोकस कर सकते हैं और वहां पर अच्छी रैंक आप बना सकते हैं, ठीक। सिलेबस आपने पढ़ा है, सारा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन आपने लगाए हुए हैं, बस पैसेज रखने की बात है। उसी सिलेबस एक बार फिर से जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और आराम से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग वेटनरी साइंस के लिए, ज़्यादातर मुस्टी बच्चे बात करते हैं नीट वाले और जो लोग पहले तैयारी करते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर आप पता है दो कॉलेज में है, दो यूनिवर्सिटी में, एक फैजाबाद में और एक आपके जो है मेरठ में, ठीक। वहाँ भी ज़्यादा सीट नहीं है अगर आपकी वेटनरी साइंस अगर आप चाहते हैं, ठीक है। और आपकी अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर जो रैंक यहाँ पर आते हैं तीन तरह के आप देखा होगा। एक आपने देखिए ग्रुप रैंक। अब इस ग्रुप रैंक का मतलब क्या है, आपका जो भी ग्रुप है मतलब PCM ग्रुप में एक आपकी अलग रैंक होगी, अगर आप PCB से हैं इससे अलग रैंक होगी, और PAG ग्रुप का अगर है यहाँ पर अलग रैंक होगी। इस ग्रुप रैंक से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। वो तब होता जब यहाँ पर ग्रुप बाइड सीट वहाँ पर जो है मतलब सीट आपकी वहाँ पर उतनी होती कि सीट रिजर्व होती, तो रिजर्व सीट में ऐसा होता है, अलग ग्रुप रैंक यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग ग्रुप रैंक छाप लेते हैं, हाँ ये ग्रुप रैंक कितनी आई है, और दिखाता नहीं जी कंबाइंडिंग कितनी होती है। एक होती है ग्रुप कैटेगरी रैंक, ग्रुप कैटेगरी रैंक। अब ये ग्रुप कैटेगरी रैंक का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ग्रुप कैटेगरी का कि आपकी जो ग्रुप है, तो जैसे मान लो आप OBC कैंडिडेट हैं, तो OBC कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट होंगे OBC के, तो उस कैटेगरी में आपकी रैंक कितनी है इस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इस पर फर्क तब पड़ता है जब आपकी OBC में रैंक बहुत कम हो या जो भी कैटेगरी रैंक उसमें बहुत कम रैंक हो, तो सीट रिजर्व होती है कैटेगरी के हिसाब से तब, ठीक। अब आपको सिलेक्शन यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर सीट रिजर्व नहीं है तो आपको जो डिपेंड करता है सिलेक्शन और काउंसलिंग वो करता है UG कम्बाइंड रैंक से। किस पर डिपेंड करेगा, UG कम्बाइंड रैंक। तो जिन विद्यार्थियों की UG कम्बाइंड रैंक कितनी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि PCM PCB PAG ग्रुप में है और इतनी मेरी UG कम्बाइंड रैंक है, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा कि आप कहाँ पर यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा UG कम्बाइंड रैंक आप जो है डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं UG कम्बाइंड रैंक इतनी अगर है तो आपका सिलेक्शन कहाँ पॉसिबल है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग UG कम्बाइंड रैंक के बारे में, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पहले UG कम्बाइंड रैंक, कम्बाइंड रैंक जिस पर काउंसलिंग आपकी बेस्ड होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जिन विद्यार्थियों का रैंक जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 200 आप रैंक मान लीजिएगा, OBC कैंडिडेट हैं तो आप 250 रैंक मान लीजिएगा, मतलब वेटनरी साइंस के लिए UG कम्बाइंड रैंक आपकी अगर आपकी 250 रैंक तक है तो आपका ये श्योर है कि आपको वेटनरी साइंस मिल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर 300 रैंक है तो आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे, आप जरूर कराएंगे, 350 तक है आप तब भी काउंसलिंग कराएंगे, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं आपका इतने रैंक तक BBSC मिल सकती है। और ये कोर्स केवल किसके लिए होता है, केवल जो है PCB के लिए, अदर यहाँ पर लोग भाग नहीं ले सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, वहाँ की एलिजिबिलिटी नहीं है आपके लिए, ठीक। हाँ जैसे आपके यहाँ पर मैथ ग्रुप के बच्चे होते हैं तो BTEC और BTEC डेयरी करते हैं, तो यहाँ पर BTEC डेयरी BTEC एग्रीकल्चर कोई भी कर सकता है, UP कैटन ऐसा है चांस, ठीक। लेकिन ICAR अगर आप बात करोगे तो केवल ICAR और CUET में, तो BTEC एग्रीकल्चर और BTEC डेयरी ये जो दो कोर्स होते हैं वो केवल PCM वालों के लिए होते हैं और किसी का एलिजिबल नहीं होता है। यहाँ ये फायदा है अगर आप PCB से हैं, रैंक आप खराब हो गई है तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, PAG ग्रुप का अगर आप हैं तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये तो बात हो गई आपकी UG कम्बाइंड रैंक वेटनरी साइंस के लिए। अब मैंने क्या बताया था, अगर 1 से लेकर 500 रैंक तक कम से कम इसमें ऐसे 80% विद्यार्थी होते हैं जो PCB के होते हैं, तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है तो आप पेशेंस रखें और क्वालिफाइड लिखा तो काउंसलिंग आप जरूर कराएं। कहाँ तक काउंसलिंग कराएं तो देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग BSc एग्रीकल्चर के लिए। BSc एग्रीकल्चर के अगर आप बात करेंगे
तो आपके अगर जनरल रैंक 1000 तक है, ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, अगर आपके रैंक यहाँ पर 1500 है, ठीक है, 1500 रैंक तक है, तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी 3 काउंसलिंग तक, ठीक है। पैसे रखना, हो सकता है पहले में ना मिले, दूसरे में ना मिले, हो सकता है थर्ड मिले। तीसरी काउंसलिंग बाद सभी यूनिवर्सिटी की सीट कई बार खाली रह जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीसरी काउंसिल में, जैसे अभी आईसर एग्जाम का आपका लास्ट अगस्त होगा या सितंबर में होगा, सीयूईटी होगा, रिजल्ट आया, कुछ बच्चे यहाँ से निकल करके उस एग्जाम में चले जाते हैं, वो सीट आप खाली हो जाती है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग में उस सीट को फिल करते हैं, उस सीट को भरते हैं। तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रैंक कन्फर्म बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज। अब यहाँ पर एक बात और है, अगर आप एससी एसटी बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक यहाँ पर 2500 तक अगर होती है तो भी आपको मिलने के चांस रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप काउंसलिंग यहाँ पर जरूर कराएंगे, ठीक। अब कुछ बच्चे हैं मान लो जिसकी रैंक 1800 है, तो इसका मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ उसको मिलेगा नहीं, उसको मिल सकता है। हाँ, अगर आप पेड सीट लेंगे तो पेड सीट की काउंसलिंग में ये होता है, जो आप पेड सीट लेते हैं तो फीस के अलावा आपको हर साल 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये पेड सीट के लिए है। अब पेड सीट मतलब ये है, जैसे आपको मान लो आपका फ्री सीट मान लो 1500 तक हुआ है और आपके यहाँ पर 1800 रैंक है, तो आप पेड सीट ले सकते हैं, 1800 रैंक वाला बच्चा जो है पेड सीट पा सकता है, मतलब जो आपकी फ्री सीट होगी उसी को, ठीक है। तो ये फ़र्क है पेड सीट में, फ्री सीट में केवल फीस वही लगती है, लेकिन पेड सीट में आपको हर साल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, यानी 4 साल में आपको 2,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही है कोर्स, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक। वो सीट केवल जो है पेड सीट, पेड कोर्स के लिए जो है पेड सीट केवल जो है पेड स्टूडेंट के लिए होती है। अगर रैंक आपकी ज़्यादा ख़राब है तो कई बार ऐसा हो, जैसे मान लो सीएसए मान लो आपका यहाँ पर सीएसए मान लो 350 तक फ्री सीट पर हुआ है और आप इसके बाद 500 रैंक तक अगर आप हैं, आप पेड सीट लेना चाहते हैं, तो हो सकता है उसी सीट में से आपको जो रिजर्व सीट है वो 500 रैंक पर आपको मिल जाए, यानी कुछ ज़्यादा अगर रैंक होती है तो पेड सीट आप ले सकते हैं, ठीक। ये तो बात होगी यहाँ पर एग्रीकल्चर लेकर के। अब देखो एक बात, जो विद्यार्थी हॉर्टिकल्चर के हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर चाहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पर कट ऑफ इससे कम जाती है। इसका मतलब यहाँ पर 500 रैंक है तो हो सकता है आपको 2000 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाए, ठीक। अब कुछ बच्चे मैथ वाले हैं, वो बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी चाहते हैं, तो बीटेक एजी में अगर क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3000 रैंक तक बच्चे जो है बीटेक एग्रीकल्चर भी पा जाते हैं, 3500 तक भी पा जाते हैं। डिपेंड करता है कितने लोगों ने बीटेक एग्रीकल्चर सीट ली है, कितने लोगों ने सीट नहीं ली है, ठीक। तो ये एक एक्सपेक्टेड आपके लिए कट ऑफ है, लगभग एक्सपेक्ट मतलब होता है लगभग, इधर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पर 15 बचाई, हो सकता है 14 तक केवल कट ऑफ हो सकता है 16 तक भी बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिलने के चांसेस हों। तो आप अगर क्वालिफाइड है और आप, मैं समझता हूँ 1800-2000 रैंक तक भी हैं, तब भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक। कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे हम लोग चॉइस फिल भरेंगे, कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, तो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे जब काउंसलिंग आपकी होगी उसके कुछ दिन पहले, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, जिन विद्यार्थियों ने रिजल्ट कार्ड डाउनलोड किया है और यूजी कंबाइंड रैंक उनकी कितनी है, किस ग्रुप से आते हैं, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाकी आपके लिए एक सलाह मेरी है कि जिन विद्यार्थियों, जो मैथ ग्रुप के विद्यार्थी हैं, रैंक खराब आई है, तो आप पूरी ताकत जो है सीयूईटी एग्जाम और आईसीआर में झोंक दीजिएगा। आपका सिलेक्शन यहाँ अगर नहीं हुआ है तो वहाँ सिलेक्शन आपका हो सकता है। यूपी कैडेट से कहीं टॉप यूनिवर्सिटी आईसीआर में बहुत हैं, फीस भी कम है, ठीक है, और हर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है 3,32,000 रुपये की हर महीने में, ठीक है। तो कहीं इससे 2 गुना सस्ता है आईसीआर, ठीक है। हालांकि कंपटीशन वहाँ इतना नहीं है, कंपटीशन वहाँ पर कम है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसलिए कह रहा हूँ कंपटीशन, यानी कि वहाँ पर 80 क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पर 80 क्वेश्चन आता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, वहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ। 150 में से आप आईसीआर 80 क्वेश्चन का ले जाते हैं तो आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।